बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस क्या कुछ नहीं कर रही। सीएए और एनआरसी के खिलाफ ताबड़तोड़ रैलियां, विरोध प्रदर्शन तो कर ही रही है, अब बीजेपी के एजेंडे को हथियाने की तैयारी में भी है। खास तौर से प्रियंका गांधी ने अपने हालिया भाषण से ये साफ कर दिया है कि राम के नाम पर जीतने वाली बीजेपी को वो राम के नाम से ही शिकस्त देंगी। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनका अंदाज बदला बदला ही नजर आया, जहां वो राजनीति से ज्यादा अध्यात्म की बात करती नजर आई। इस दौरान उन्होंने भगवा कृष्ण सब पर बात की और राम का नाम लेना भी नहीं भूली। प्रियंका ने कहा कि देश के इतिहास में संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सीएम ने कहा कि बदला लिया जाएगा। ये देश कृष्ण और भगवान राम का है, जिन्हें करुणा का प्रतीक माना जाता है। की ताजा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp।